नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश की कड़ी। मैं हूँ हरीश और आज 18 सितंबर और 18 सितंबर से संबंधित जितने भी टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों आपको बता दूं कि यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं सिलिसियन चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? तो मित्रों इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। जी हाँ मित्रों, मैरी कॉम ने सिलिसियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिलिसियन चैंपियनशिप क्या है और ये कहाँ पर आयोजित की जाती है। तो सिलिसियन चैंपियनशिप ये पोलैंड में आयोजित की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा है। अब आपको मैं मैप में इसको दिखाऊं तो ये यूरोप है, यूरोप में यहाँ पर ये क्या है, पोलैंड स्थित है बीचों बीच। क्लियर? तो इस प्रकार से मैप में इसकी स्थिति है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मैरी कॉम जी हैं इन्होंने इस साल का ये तीसरा पदक जीता है। तो इससे पहले दो कहाँ जीते उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने पहला गोल्ड जीता था इस साल का, वो जीता था इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग में, जो कि कहाँ पर आयोजित की गई थी, दिल्ली में। और कौन से स्टेडियम में आयोजित की गई थी, त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इसके बाद दूसरे गोल्ड की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने दूसरा गोल्ड 21वें कॉमनवेल्थ में जीता था, जो कि इसी साल आयोजित किया गया था। और वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में 21वें कॉमनवेल्थ में, जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, वहां पर इनको दूसरा गोल्ड मिला, ठीक है ना। और तीसरा गोल्ड यहाँ पोलैंड में मिला इनको। तो इस प्रकार से इन्होंने एक साल में अभी 3 गोल्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा इनकी एक और खास उपलब्धि है कि BSNL का इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एम्बेसडर किसको बनाया जाता है, तो यहाँ BSNL का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, मैरी कॉम को। क्लियर? तो इस टाइप से इसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा रुपए की स्थिरता हेतु हाल ही में कितने सूत्रीय उपाय जारी किए गए हैं? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इसका सही आंसर है 5 सूत्रीय। जी हाँ मित्रों, हाल ही में रुपए की काफी गिरावट हुई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने 5 सूत्रीय उपाय जारी किए हैं, जिसके तहत इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इस रुपए के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये रुपए का डिजाइन कब लागू हुआ और किसने इसको डिजाइन किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 2009 में भारत सरकार ने भारतीय रुपए के चिन्ह निर्माण हेतु एक प्रतियोगिता की घोषणा की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। और इसमें से फाइनल 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। उन 5 लोगों में से डी उदय कुमार को, ये जिनके द्वारा ये चिन्ह निर्मित किया गया था, उनने इसको डिजाइन किया था। किन्ने? डी उदय कुमार द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपना लिया गया। क्लियर? तो इस प्रकार से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रुपए का जो सिंबल है उसको किसने डिजाइन किया था, तो डी उदय कुमार द्वारा। और इसको हमने कब अपनाया, 15 जुलाई 2010 को हमने इसको यह सार्वजनिक किया। क्लियर? अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में DDCA की क्रिकेट कमेटी से इस्तीफा दिया? तो DDCA की बात हुई है, पहले तो हम इसका बता दें, इसका सही आंसर है वीरेंद्र सहवाग। जी हाँ मित्रों, वीरेंद्र सहवाग में DDCA की क्रिकेट कमेटी से इस्तीफा दिया है। अब DDCA क्या है, DDCA का फुल फॉर्म होता है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। किसकी, DDCA की। इसके अलावा ये किसके अंडर में रहती है, ये BCCI के अंडर में कार्य करती है। कौन, DDCA। क्लियर? तो इस प्रकार से ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हालांकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम से, फिर भी हमें थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ये अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सैफ कप का संबंध किस खेल से है, जो हाल ही में आयोजित किया गया है सैफ कप, तो उसका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है मित्रों, फुटबॉल से। अब फुटबॉल से संबंधित बहुत सारे कप होते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे डूरंड कप, मार्केडा कप, रोवर्स कप, कलिंग कप, कोपा कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, संतोष ट्रॉफी, मतलब जितने भी ट्रॉफी और कप होते हैं ना,
क्रिकेट के, जैसे रणजी ट्रॉफी वो क्रिकेट से होती है, ईरानी ट्रॉफी है ना, और हॉकी में से अजलान शाह कप है ना, मतलब जितने भी कप और ट्रॉफी होती हैं वो हमें इनके तो याद होने चाहिए कि क्रिकेट की कितनी ट्रॉफियां हैं या कप हैं, सबकी ट्रॉफी और कप याद होने चाहिए। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सैप कप की। तो सैप का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैप कहाँ पर खेले गए हैं? सैप बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खेले गए हैं, ठीक है ना। सैप का आयोजन अभी कहाँ किया गया था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। उसमें विजेता कौन रहा? उसमें विजेता मालदीव रहा, और उपविजेता कौन रहा? भारत रहा। जी हाँ मित्रों, इसमें फाइनल में भारत हार गया था। इसके अलावा अगला सैफ कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अगला सैफ कप का आयोजन पाकिस्तान में 2020 में किया जाएगा। तो इस प्रकार से इससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे कि पूछ ले कि सैफ कप कहाँ आयोजित किए गए, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किए गए। या पूछ ले अगले सैफ कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान में किया जाएगा। देखो क्वेश्चन बढ़ाने को तो मैं कितने भी क्वेश्चन बढ़ा सकता है, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए उसके कंटेंट पर कि आखिर इसमें से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारा कचरा लाने से क्या मतलब है कि नहीं। अगर हम उतना ही कंटेंट रखें जो कि हमारे काम का है तो ज़्यादा फायदेमंद है। हम फालतू का कचरा क्यों याद करें जो कि हमारे काम का ही नहीं है? हो सकता है उससे संबंधित कुछ जानकारी हमारे काम की हो सकती हैं, पर हमें इम्पोर्टेंट जो हमारे काम का है वो हमें उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय के साथ WHO कार्यकारी समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है मित्रों जयपुर। यह मित्रों जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो वहां पर क्या हुआ है? आयुष मंत्रालय के साथ WHO कार्यकारी समूह की बैठक शुरू हुई है जो कि 3 दिनों तक चलेगी। तो मित्रों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान योजना की शुरुआत की जानी है, उसी की तैयारी के रूप में बहुत सारी आयुष केंद्रों की स्थापना की जानी है। इसीलिए आयुष मंत्रालय WHO कार्यकारी समूह की बैठक की है, और इसी की तैयारी के लिए आयुष मंत्रालय के साथ WHO की कार्यकारी समूह की बैठक हुई है। यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता होता है जो आयुष होता है प्रत्येक अक्षर का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड न्यूरोपैथी, इसके अलावा यू से यूनानी, और एस से सिद्धा एंड, और एच से होम्योपैथी। इस प्रकार से इसके प्रत्येक कैरेक्टर का अलग अलग मीनिंग है, तो हमें इसका फुल फॉर्म याद होने चाहिए। और ये भी हो सकता है कि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ये आयुष्मान योजना, आयुष मंत्रालय, आयुष केंद्रों की स्थापना, यानी बहुत सारी चीजें आयुष से शुरू हो रही है, ये भी हमारे लिए एक बहुत पॉइंट वाली बात है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? आयुष विभागों को विस्तृत कर 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं WHO की। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 1948। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबको नॉर्मल इसके बारे में पता होता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए कि WHO की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। क्लियर। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो इस प्रकार से इससे संबंधित इतनी जानकारी है। और अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल छात्रावास कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। जी हाँ मित्रों, पहला जेंडर न्यूट्रल छात्रावास कहाँ पर खोला गया है? मुंबई में। अब हम बात करते हैं जेंडर न्यूट्रल छात्रावास की, ये है क्या। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी धारा 377 के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसके बाद भारत का ये पहला समलैंगिक हॉस्टल बनाया गया है, और ये क्या है? न्यूट्रल जेंडर छात्रावास, मतलब समलैंगिक छात्रावास। क्लियर। इसके बाद यह हॉस्टल मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यानी TISS में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? मुंबई में। तो इसका सही आंसर मैंने बताया मुंबई में। इसके अलावा इस हॉस्टल का नाम इंद्रधनुष भी रखा गया है। इस हॉस्टल में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के साथ साथ अन्य छात्र भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल छात्रावास कहाँ पर खोला गया है? मुंबई में।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में ये आर्टिकल बहुत चर्चा में रहा, तो आपको इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला मुक्केबाजों ने तुर्की में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय महिला मुक्केबाजों ने यहाँ पर कहाँ पर तुर्की में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण पदक। अब हम बात करते हैं वो 3 स्वर्ण पदक किन किन लोगों ने जीते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, ये इस साइड से एशिया है और इस साइड से क्या है, यूरोप है। तो टर्की कहाँ पर है, एशिया और भारत के बीचों बीच तुर्की स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं वो किनने जीते हैं। भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर ने 64 वर्ग में जीता है, इसके बाद मोनिका ने 48 किलोग्राम में जीता है, और भागवती कचारी ने 81 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ये तुर्की में कहाँ पर आयोजित किया गया। तुर्की के इस्तांबुल में अहमद कोमर्ट टूर्नामेंट में ये स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा तुर्की की राजधानी, आप सभी को पता होगा कि तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। क्लियर। तो इस टाइप से इससे संबंधित इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज्यादातर जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, वही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला मुक्केबाजों ने तुर्की में कितने स्वर्ण पदक जीते। तो वहां पर भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण पदक जीते। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है जो आपको बता रहे हैं कि 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।